देख ले, सबसे पहले मुझे आईटी पार्क पहुंचना है, तो चलो। ट्रिब्यून चौक यहाँ से राइट को है, मनी बाजरा लेफ्ट को। एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड करी थी उसका एंगल में ही प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब फ्रंट का व्यू कुछ दिख नहीं रहा था, बस हेडलाइट ही दिख रही थी। बाइक में फ्यूल भी कम हो गया है तो फ्यूल भराना पड़ेगा। आगे एक पेट्रोल पंप आएगा लेफ्ट में, वहाँ भरा लेता हूँ मैं। फ्यूल मैंने यहाँ पे भरवा लिया है पीछे वाले पेट्रोल पंप से, तो चलो चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट चौक आना है, वहाँ से मुझे लेफ्ट नहीं राइट लेना है। मैं आपको कुछ एक बड़ी पुरानी घटना बताता हूँ। एक बंदा था जो बाइक से सकेतरी जा रहा था, जैसे ही वो सकेतरी के पास पहुँचा वहाँ के जंगलों में खो गया, उसको हाइपोथर्मिया हो गया, पानी की कमी हो गई उसे, और वो आज तक नहीं मिला। मनी बाजार जाना तो सीधा जा सकते हैं, पहले मैं पंचकूला में ही रहता था लेकिन चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, मैं इस टाइम पे चंडीगढ़ से ही आ रहा हूँ। जो पंचकूला में रहते हैं वो भी सीधा आईटी पार्क जा सकते हैं। इस रोड पे तो ध्यान रहे, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड में ना चलाइए, आपको चेकिंग होती रहती है कहीं भी गाड़ी आप। तो मैं तो अभी 60 पे चल रहा हूँ, 63-65 पे, पता नहीं शायद 50 किलोमीटर बाइक की है 45। अब मैं बताता हूँ इसमें रिकॉर्डिंग का, मुझे पता कैसे होता है कि रिकॉर्डिंग इस टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली इसमें कैमरे के ऊपर एक बटन है जिससे ऑफ किया जा सकता है रिकॉर्डिंग को, तो जब भी कैमरे की लाइट ब्लिंक कर रही होती है तो उसे पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर नहीं हो रही तो मैं उस बटन को प्रेस करके रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ और मिरर में ही देख लेता हूँ, तो इस तरह से मुझे पता चल जाता है। चौक से भी सीधा जाना है बिल्कुल, यहाँ कहीं मुड़ना नहीं, लेफ्ट को जाएंगे अगर आप वहाँ पर लेक पहुँच जाएंगे, और एक रास्ता हो रही है जो लेफ्ट में गया था यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन हम सीधा जाएंगे, रोड अच्छा बना हुआ है तो वहीं से चलते हैं। ये जो राइट पे रेड वाली बिल्डिंग है ये टेक है शायद, और ये जो वाइट वाली है तो ये ललित होटल है, काफ़ी फेमस है। लाइटें आती है जस्ट ये जो राइट में दूसरी बिल्डिंग थी वो एयरटेल की बिल्डिंग थी, कॉल सेंटर है और भी चीज़ें हुई हैं। इंफोसिस और भी काफ़ी कंपनियाँ हैं, मतलब इस आई टी पार्क में राइट साइड में ही है, यहाँ से लाइट से राइट को आना है।
ये वाइड वाला जो है वो डीटी वाला है। वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके स्टार्ट जहाँ से होती है जिस उनके पास ही है उस गेटरी। सकेतरी भी घूमेंगे वहाँ पे, देखते हैं सकेतरी कैसा है, गाँव जैसा होगा वैसे तो वैसे सुना है मैंने, बट देखते हैं। चलो यहाँ आई टी पार्क है, जो लेफ्ट साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे मोमोज वगैरह अच्छे बनाते हैं, यहाँ पे खाने आते थे। आपको लेना है बिल्कुल मेरे गांव की तरह लग रहा है। मैं गांव में ऐसे ही है, बगल में ढेर सारे पेड़ और बीच में ऐसे रास्ता सड़क। ऐसे हरे भरे रास्तों पे दिन भर चलाते रहो, इतना मजा आएगा, कुछ थकावट नहीं होती ऐसे रास्ते पर चलाने में, तो सड़कों से गड्ढे ना हो इसका क्या हो गया। तो जोमेटो वाला था कुछ देना होगा, यहाँ पे कहाँ एड्रेस मिलेगा इसको पीछे राइट साइड में पार्क था शायद, बड़ा वाला बड़ा पार्क था कोई, क्या व्यू है यार देखो, लेफ्ट में राइट में पूरे खाली खाली मैदान, ये छोटे छोटे जो है बड़े बबूल के पेड़ है, फिर झाड़ियाँ हैं, ये कितनी दूर तक खाली है सारा। ये शुरू हो गया गाँव वाला एरिया, आगे कोई तबेला है गायों का, खेती वेती देखते हैं आगे कहीं चल के देखेंगे खेती वेती कहाँ है। Thank you.
पे बस एक ही बार गई है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन देर वगैरह कम है तो धूप रहती है इस बार में बहुत। ये नाला पहले इस नाले के किनारे ये लोहे के बैरियर्स नहीं थे, अब लगा दिए हैं। ये खर्चा या तो मंदिर जा रहे हैं या फिर इनका घर खा रहे हैं या प्रॉपर्टी वगैरह। वो जो रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वही है शिव जी का मंदिर जो उसके नाम। नवरात्रों का टाइम है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, कंधा शुरू हो गए। मंदिर की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। ये यहाँ की पार्किंग है और ऊपर जाके मंदिर है। मंदिर जाने के लिए यहाँ पे लक्ष्मी पूरी या फिर कुछ और।